नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था, लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी DVD कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी DVD कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहें जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए पहले भये प्रणाम तिन नमो जो अगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस, लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं वो ना मानो, हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की,
जिसमें अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्री का भी शैयों, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखीज बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्ला, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाए। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदु बेन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवा इम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब सुनना यथार्थता क्या है, उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्द दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई, जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई, और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं, वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो आज हम कबीर का अर्थ बड़ा ही करके आज का विवेचन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है होली कुरान, यानी पवित्र कुरान शरीफ,
उसको चाहे पवित्र कुरान मजीद कहो, केवल कहने का अंतर है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो उससे हम निर्णय करते हैं कि मुसलमान धर्म के श्रद्धालु जिसको अल्लाहु अकबर मान के, अल्लाह कबीर मान के साधना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह कबीर है भी के नहीं, यानी वो समर्थ परमात्मा है भी के नहीं, वो एक परमात्मा कुल का मालिक है भी के नहीं। इससे पहले थोड़ा सा विवेचन करेंगे कि मुसलमान धर्म की पुण्यात्माएं श्रद्धालु भक्त मुसलमान ये मानते हैं कि जिस खुदा ने, जिस भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया हजरत मोहम्मद जी को, वो उनका अल्लाह है, वो उनका खुदा है। उनका ये भी मानना है कि जो भी संदेश उस कुरान ज्ञान दाता ने बोला, कहा, हजरत जबरील एक फरिश्ता एज इट इज लेकर आया, उसमें उसने कोई मिलावट नहीं की। तो उस ज्ञान के प्राप्त होने के कई कारण लिखे हैं, थोड़ा सा पहले कुरान मजीद के भूमिका से दिखाते हैं वो किस प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचा। देखिएगा, ये है कुरान मजीद, एक पवित्र पुस्तक जिसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये देखिएगा कुरान मजीद। ये कहाँ से प्रकाशित है कुरान मजीद? हिंदी मुतजर्म मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहेब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहेब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने का यहाँ पर भी यही लिखा है, कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहेब जालंधरी। ये वही नो का नू तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहेब, संस्करण 2006, पृष्ठ 982, प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद नासिर खान, प्रकाशक ये फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, और 2158 एमपी स्ट्रीट पट ऑफ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा मुकदमा, ये मुकदमा है भूमिका समझो, और 6 नंबर पृष्ठ पे कुरान मजीद का, इसमें क्या कहा है कि कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर मुकरम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल की। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है, जिसने अनुपालन किया हुआ इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ, और जिसने जरा भी अवज्ञा की वह इस पाकीजा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी ए करीम सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की उम्र 40 साल की हुई, उस समय आपको नबुवत प्रदान की गई यानी नबी बने, और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी जमाने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा तथा ज़रूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक यानी हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु तक ये नाजिल होता रहा।
अगली किताबों की तरह पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हजरत मूसा जी, हजरत मूसा अलही पर तौरत नाम की होली बुक उतरी, हजरत ईसा पर अलही पर इंजिल नाम की पुस्तक और हजरत दाऊद अलही पर जबूर नाम की पुस्तक एक ही बार में उतरी थी। ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई और सौभाग्य से ये सभी सब किताबें रमजान के महीने में उतरी। अब यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ये चार किताबों को श्रेष्ठ मानते हैं। एक तो तौरत जो मूसा जी, हजरत मूसा जी को प्राप्त हुई, और एक हजरत ईसा जी, ईसा मसीह जी को हुई, वो इंजील मानते हैं, और हजरत दाऊद अलही को हुई वो जबूर मानते हैं। हजरत मोहम्मद जी को जो पुस्तक प्राप्त हुई वो कुरान मजीद, कुरान शरीफ मानते हैं। शरीफ कहो, कुरान शरीफ कहो चाहे कुरान मजीद कहो, कहने का अंतर है, बाकी लेख एक है। अब कहते हैं उन सभी पहले वाली किताबें तो एक ही बार में उतर गई थी, और ये बुक जो होली बुक पवित्र कुरान, हजरत मोहम्मद जी जब 40 वर्ष के हुए तब से उनको ये संदेश आना शुरू हुआ, और उनकी मृत्यु तक जब वो 63 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ तब तक ये आती रही, इनका कहना ऐसा है। अब आगे क्या बताते हैं, ये कैसे प्राप्त हुई हजरत मोहम्मद जी को, ये देखिएगा। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की नबुवत के बाद रमजान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे फैजूम अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और उसके बाद हजरत जबरील अलैहि को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सलहल तक पहुंचाया। कभी दो आयतें, कभी तीन आयतें, कभी कभी एक आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें, और कभी पूरी पूरी सूरतें। इसको शरीयत वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। नंबर एक तरीका ये है कि फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज़ घंटी जैसी मालूम हो, यह स्थिति अनेक हदीसों में प्रमाण से साबित है, और यह किस्म वह की सब किस्मों से मैं सकत थी, बहुत कष्ट नबी सलल को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया है कि जब कभी ऐसी वह आती तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। दूसरा तरीका है कि फरिश्ता कोई दिल में बात डाल दे। तीसरा, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। अल्लाह ताला जागते में नबी सलल के से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मेराज, मेराज की रात में अल्लाह ताला सपने के हालत में कलाम फरमाए, यह किस्म भी सही हदीसों से साबित है। हमने ये देखना है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान है, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जैसा भी बोला, जैसा कहा, हजरत जबरील यानी उन ये फरिश्ता एज इट इज ला करके उनके पास उनको दे दिया हजरत मोहम्मद जी को। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसने अपनी ओर से। इतनी सी बात हमने ध्यान रखनी है। इसको फिर देख लें, हम देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और इसके बाद हजरत जबरील अलैहि, ये एक देवता फरिश्ता है, को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के सलल यानी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया।
सलल मोहम्मद तक पहुंचाया, ठीक हो गया, हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं ये पहचान करते हैं कि जिस अल्लाह, जिस खुदा को, जिस अल्लाह को पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी अल्लाह मानते हैं, अल्लाह कबीर मानते हैं, वो अल्लाह कबीर है भी के नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवा इम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। यानी समर्थ परमात्मा, कादर परमात्मा, समर्थ भगवान है भी के नहीं। और समर्थ भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक परमात्मा की पूजा करने के लिए हम भी कहते हैं कि एक ही परमात्मा की इबादत पूजा करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु भी यही मानते हैं कि एक अल्लाह जो समर्थ है उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो इबादत करता है वो मुसलमान नहीं, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। और हम भी यही मानते। अब देखते हैं ये मुसलमान भाई जिस अल्लाह को पूज रहे हैं वो अल्लाह ताला है भी कि नहीं, इसी कुरान मजीद से या कुरान शरीफ से। अब देखिएगा, अब ये कुरान शरीफ उठा ली हमने, बात वही है, अंतर कोई नहीं इनमें। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहिसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में, और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल।
यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत यह है कुरान शरीफ यह है सूरत फुरकान 25 और इसके प्रश्न नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ की का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा, यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम पढ़ेंगे नीचे से, ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फलातुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको, ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे, ये है 51वीं आयत समाप्त हुई, इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फलातुतियल काफिरन ने जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में, ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा, उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पर हम आगे नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फलातुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई, तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का, कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना, ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस
कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज। उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है, ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं, अब क्या बताया है देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, ये चैतन्य ने अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, 1 प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है ये, 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें।
वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। छह दिन में सबको छह दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इसे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तकत पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहां से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसकी उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की पूजा कर रहा है जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की, वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है कबीर, दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोए, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो, ये बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे, एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ, तो हज़रत मोहम्मद जी तो
इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की भक्ति कर रहे थे, इसको अल्लाहू अकबर जान के, ये अल्लाहू अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52-59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तकत पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाह अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाह अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसे कैर टूट गए। 3 पुत्र थे आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाह अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाह अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए, उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कम्प्लीट गॉड है वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है, आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाह अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं, उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाह अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोमन जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को, वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाह अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। पुण्यात्माओं, परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं,
और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं, तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफर तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे, कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता, पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करने वाला अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा ना रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जावे। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो वो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। पर इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मान रखा था, लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाहु अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता, यानी कौन, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाहु अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मानकर भक्ति कर रहा है, उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है, और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता, और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस
अल्लाह अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की दी हुई भक्ति को करते करते तीन पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्ला सुभानी, ये देखिएगा इनायतुल्ला सुभानी अनुवादक नसीम गाजी फलाही मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू। प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स D307 दावत नगर अब्बुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली। दूरभाष इतने इतने, फैक्स नंबर इतने और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 64 पे 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी, 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए, बताया कोई भक्ति है। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगर नियम में रहोगे न तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपणे का दुख उठाया, बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए, आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब रुक्या उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ प्रसिद्ध पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिजतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहाँ देखा, हाँ ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं।
प्यारे नबी सलल ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहाँ जाते हैं। अब 208 पे पढ़े आपने, अब 209 पढ़ रहे हैं, 207-8 पढ़ लिया। हिजतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा नहीं गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बुखार इतना तेज़ हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फ़र्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियाँ थीं, इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा चलना आप सलल के लिए अब मुमकिन नहीं था। हज़रत अली रजिस्टर और हज़रत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हज़रत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज़्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं। पृष्ठ जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई, बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सलल मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सलल ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आप की इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुसल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हजूर आपका इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं,
लोग उनकी आवाज सुन न सकेंगे। 312 पे प्यारे नबी सलल उन्हीं से को नवाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की, प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सलल ने तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई, फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ यानी कुछ राहत मिली, फिर आप सलल हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया मुसलमानों ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा, इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे असरफियाँ क्या हुई। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं, आप हजरत मोहम्मद ने वे असरफियाँ मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी, उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई यह उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रोज़ बाप की खिदमत में हाजिर होती, आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी, हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके, वे पास आई स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी, ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल लेते कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई, वे खुद ब खुद पुकार उठी हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून, सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में यह आवाज़ आई। 315 पे नमाज, गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सलल ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सलल यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में
ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहु अकबर की, वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है कबीर, दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में, यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो, ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे, एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था, तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52-59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तकत पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाहु अकबर जानकर सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसे कैर टूट गए। 3 पुत्र थे आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता, और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए, उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कम्प्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है, आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं, ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को, वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। पुण्यात्मा, आप जी ने अपनी आँखों पढ़ा मुसलमानों का ही लिखा हुआ हजरत मोहम्मद जी की जीवनी का इतिहास। 3 बेटे थे,
तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसी भक्ति करते करते ऐसी पुण्यात्मा के साथ ऐसे कहर टूटे, और ये अर्ज करते हैं उस अल्लाह से जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है कि हे अल्लाह सबको बरकत दे, सबके रहमत की जड़ी लगा दे। हजरत मोहम्मद के ऊपर उसने कहर की जड़ी लगा दी और अंत में मृत्यु कैसे हुई, ये भगत की मृत्यु नहीं, ये तो जनसाधारण की मृत्यु ऐसे होती है। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के, इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, पांच वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, पांच वक्त की नमाज और रोजे, ये तीन साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता, मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसको उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उसके उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है, वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला, उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर, और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सत्र की विधि बताई है कि मेरे सत्र की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सत्र का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जावेगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी, और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के 1 मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहां शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना तो वहां शांति कहां। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती, या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि।
सत्रहवें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके तीन मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोडवर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति आठवें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सचिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत भक्ति करते हैं, और उनको कितने लाभ होते हैं, वो अल्लाहु अकबर, दुख में सुमन सब करें सुख में करें ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक होए। अब वो अल्लाहु अकबर जो है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा ने कैसे सुख दिए, उनकी मौत तक टाली, उनको कैसा जो है लाभ दिया, तो ये अल्लाहु अकबर है जिसकी साधना दास बताता है। और जो साधना हजरत मोहम्मद जी ने की वो साधना अल्लाहु अकबर की नहीं थी, जिस कारण से वो इतने दुखी हुए, नहीं तो उनकी वाणी है कि दुख में सुमन सब करें सुख में करें ना को, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो सुख में सुमन किया था और फिर भी यह दुर्गति हुई क्योंकि उनको वो यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है, आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विद्या है। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे खुद इंडिविजुअली बॉम्बे के रहने वाली हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड रोहतक के हैं, तो वैसे हम सेटल गुड़गांव में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एक डाइटिशियन थी, अब तो मैं केवल भक्ति करना चाहती हूँ। डाइट और न्यूट्रिशन और मीडिया से भी कनेक्टेड थी मैं, और मैं अब तो केवल भक्ति करना चाहती हूँ। परमात्मा की भक्ति के अलावा मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक लड़की है गुड़गांव में, कोकल नाम है उसका, तो उनके फैमिली ने काफ़ी कई साल 16-17 साल से उनकी मदर ने परमात्मा के शरण में नाम लिया हुआ है। तो वो गुड़गांव में मेरे फ्लैट के ऑपोजिट ही रहती थी, तो उसने बोला कि आंटी जो ये गणेश जी और शंकर जी की आप रोज़ घंटियाँ बजाती हैं पूजा करती हैं ये पूजा ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसको बोला कि बेटा कि क्यों ऐसे ठीक नहीं, ये तो सभी सारी दुनिया इनकी पूजा करती है। तो बोले आंटी नहीं, मैं जिसकी पूजा करती हूँ, मैं जिसको अपना भगवान मानती हूँ वो बरवाला में है, तो आप एक बार मेरे साथ ज़रूर चलिए ताकि आपको लगे कि वाकई वहाँ परमात्मा है। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी थी पिछले साल, तो मैं पूजा करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे और कुछ उससे पूछना है, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि भगवान बरवाला में है और संत रामपाल जी महाराज ही वो भगवान है। तो मैंने अपना गणेश जी को पैक करके सारा कुछ दूसरे ही दिन चतुर्थी के बाद मैंने उसको पैक करके और सारे जितने भी देवी देवताओं की किताबें थीं उनको लेके नदी में बहा दिया, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई और वो सब कुछ मैंने बहाया। मैंने कहा आज से मैंने ये कोई पूजा नहीं करनी है और मैंने इस लड़की के साथ बरवाला जाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या तुमने कुछ पढ़ा है उन संत के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में? मैंने कहा हाँ, कल उस लड़की ने, कोकल ने मुझे वो किताब दी थी ज्ञान गंगा, जिसमें ये बताया गया है कि काल का एग्रीमेंट भगवान जी के साथ जो हुआ है। तो मैंने कहा जो काल
का मतलब है मौत, तो मौत के साथ एग्रीमेंट करने वाला भगवान ही हो सकता है, उससे बढ़ के मेरे लिए कोई और मायने नहीं रखता, और यही मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी मौका है, क्या पता कल मेरी सांसें रहे ना रहे। मैंने उस लड़की से कहा, बेटा मैंने सब कुछ सारे भगवानों को त्याग दिया है। तो फिर उसके बाद वो लड़की कहने लगी कि आंटी हम है ना एक दो दिन में जाने ही वाले हैं गुरुजी के पास हमारे। मैंने कहा ठीक है बच्चे, जब आप जाओ मुझे ज़रूर आज ही ले जाओ, भले कल की राह नहीं देखना। तो बोली ठीक है आंटी, शायद हमारी गाड़ी आने वाली है परसों, तो अगर परमात्मा दया करेंगे तो कल ही जा सकते। मैंने कहा ठीक है। तो रात के 11 बजे उसी दिन फ़ोन आ गया कि वो गाड़ी लेके आ रही, और सुबह मैं 4 बजे वहाँ से निकली गुड़गांव से, 7 बजे मैं यहाँ पहुँची। उसके बाद आते ही मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, पहले मुझे कोकल नाम दिलवा दो। बस वो दिन और आज मैं यहाँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान यही है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है भगवान। दुनिया में लाखों गुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बचपन में ये सुना था कि नर नारायण का शब्द मेरे दिमाग में एकदम टाइप था कि नर नारायण, नर ही होता है नारायण का रूप, तो वो नर होंगे कैसे, क्योंकि गॉड का मतलब मेल होता है, गॉडेस नहीं होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि नारी नारायण नहीं होते, नर नारायण है। तो उस नर नारायण को मेरी आत्मा समझो या मेरा बचपना समझो, वो खोजता रहता था उस नर नारायण को। तो मुझे उस लड़की के आत्मा से ऐसे मुझे लगा कि संत रामपाल जी उस लड़की की आत्मा में आकर मुझे प्रेरणा दे रहे कि बेटा तू आ जा और मेरे से नाम ले ले। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति दी, उस भक्ति के आपको क्या लाभ मिले? मुझे उस भक्ति से एक तो आत्मा में कॉन्फिडेंस आया, जो मेरी आत्मा बहुत डामाडोल होती थी कि कहाँ है वो भगवान जिसने हमें पैदा किया, हम तो पैदा यूं ही हुए यूं ही मर जाते हैं, तो वो बचाने वाला भगवान कहाँ है जिसका नाम नर नारायण। उस नर नारायण को खोजती खोजती मैं इतनी बड़ी हो गई, 15-16 साल की उम्र में भी मैं मथुरा वृंदावन में परिक्रमा देने जाती थी, लड्डू गोपाल जी को मैं चोट अपने हाथ से उनके कपड़े सिलाती थी, उनको सुलाती थी, मैं फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी कि वो भगवान बात नहीं करते थे, वो तो पत्थर थे। परमात्मा जिंदा कहाँ है मैं वो खोजती थी, मेरी आत्मा मेरी रूह उस नर नारायण को खोजते खोजते मैं अजमेर शरीफ में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में हर जगह जाती थी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि वहाँ वो नर नारायण है। जैसे मैं यहाँ आई, इस द्वार के अंदर आते ही मुझे लगा कि बरवाला में ही भगवान है और कहीं नहीं है भगवान। उसके बाद मेरा जी नहीं करा कि मैं यहाँ से एक मिनट एक पल के लिए भी कहीं जाऊँ। Can you define who is the real God? कबीर परमेश्वर के रूप में संत रामपाल जी महाराज इज द रियल गॉड, बिकॉज ही इज गॉड, आफ्टर ही एक्सेप्ट अस देन ओनली कबीर परमेश्वर विल एक्सेप्ट अस। इफ संत रामपाल जी डजंट एक्सेप्ट अस, गॉड हुज नेम इज कबीर परमेश्वर विल नेवर एक्सेप्ट अस, नेवर एवर। वी हैव टू फर्स्ट फॉलो संत रामपाल जीज प्रिंसिपल्स, वी हैव टू बी डेडिकेटेड, वी हैव टू बी ओबीडियंट टू हिम, ओनली देन ही विल टेक अस टू कबीर परमेश्वर, अदरवाइज बहुत मुश्किल है परमात्मा को पाना। संत रामपाल जी महाराज की दया नहीं होगी तो कभी भी हमें भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हीं के रूप में भगवान आए और वो संत रामपाल जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है इस धरती पे, वो ही भगवान है बस। बट वाई, वाई का एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने बताया मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से यहाँ देखा है लोगों को मरने के बाद जिंदा हुए। अभी एक केस जो 2 ग्राम जिसमें हेमोग्लोबिन था वो मर चुकी थी, 2 ग्राम खून में कोई जिंदा नहीं रह सकता है, 2 ग्राम खून तो मौत में ही होता है, इतना तो ब्रेन में ही रहता है खून। परमात्मा ने अभी कुछ दिन पहले उस औरत को जिंदा कर दिया, मेरी आँखों के सामने था वो पेशेंट यही था और वो यहाँ से अभी ही गया है ठीक होके। परमात्मा ही जिंदा कर सकते हैं किसी मुर्दे को, और कोई नहीं कर सकता जिंदा, कोई संत नहीं कर सकता जिंदा, इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज
से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? मुझे केवल भक्ति चाहिए थी, परमात्मा की सेवा चाहिए थी, मुझे दुनियादारी का कोई लाभ नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा ने बिना नाम लिए भी सब कुछ दिया। अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, केवल मुझे भक्ति की भीख दे परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक भिखारन बन के आई और मैं भीख ही मांगती रहूँगी, मेरी आखिरी सांसों तक मैं भीख मांगूंगी कि मुझे भक्ति और सेवा की भीख दे, जो जिससे मैं वंचित रही और जिससे मैं अपने परमात्मा से दूर रही। और मुझे ये पांच तत्व का शरीर मिला जो मिट्टी में जाएगा। मेरी आत्मा की जितने भी मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्म है वो परमात्मा मुझे भक्ति और सेवा से मुझे पश्चाताप और प्रायश्चित करने का मौका दे। मैं यही मांगूंगी अपनी आखिरी सांस तक मेरे परमेश्वर से। संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर है और वो ही है और कोई परमेश्वर नहीं है इस धरती। तो क्या आपको लगता है कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम उपदेश आपको दिया है उसी नाम के आधार से और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बहका नहीं सकता मुझे और कोई मुझे कहीं भी और रास्ता और जगह सब दरवाजे गलत हैं। हर जो ये जो भी संत जिसके लिए आप पूछ रहे हैं सवाल इंटरव्यू, कोई भी संत जो आजकल जो बैठे हुए हैं, जो ये निरंकारी है या धन धन सतगुरु है और ये श्री श्री रविशंकर और ये कुमार स्वामी, जितने भी ओरिएंटल पीसेस हैं ये बिल्कुल सब गलत हैं। परमात्मा साक्षात आए हुए हैं और वो ही हमें मुक्ति दिलाएंगे और वो ही सब कुछ हैं, हमारे मालिक हैं, वो सारे जहान के मालिक हैं, वो उतर आए हैं। सब इंसानों को उनको पहचान लेना चाहिए, पूरा वर्ल्ड यहाँ पे चरण में उनके आए और अपने पापों को धोए, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी सबसे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साए परमेश्वर। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है, इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फहीम, ये यहां से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है, कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाय HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहां देखना, भगवत गीता के सातवें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते, अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा।
सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाई मोहम्मद नासिर खान फोर, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, इतने और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे, प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइज, दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के, द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20, इसका रेफरेंस देख रहे हैं उन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाई मेटेरियल डिजायर्स वर्शिप डम्मी गॉड्स, डम्मी गॉड्स अधूरे भगवानों की पूजा करते, दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक दे वर्शिप डम्मी गॉड्स, यानी आई ई अदर एज That is besides the true God. दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। भगवत गीता में भगवान का तस्वीर है, पार्ट नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सच्चे भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि मुसलमान तो कंप्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला उसको ये कंप्लीट गॉड मानते हैं, और अन्य को जो हिंदुओं को कह रहे हैं कि अधिकतर हिंदू डम्मी गॉड की भक्ति करते हैं यानी अधूरे भगवान की, अधूरे अल्लाह की। पुण्यात्मा, सूरत फुरकान चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो अल्लाहु अकबर वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट गॉड के बारे में जानकारी नहीं रखता, उसकी भक्ति विधि उसको पता ही नहीं, वो तुम्हें बताएगा क्या? तो इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है। यह भूल लग रही है आपके? आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान की झूठ नंबर 1 यानी गलती नंबर 1, ये कहते हैं कि हम एक सुप्रीम गॉड
यानी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, उस बड़े अल्लाह की पूजा करते हैं। और वो किसको मानते हैं? अपना अल्लाह ताला, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकान 25 में आयत नंबर 52-59 में स्पष्ट कर देता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। वो तो उसकी जानकारी भी नहीं रखता, वो तो उसकी जानकारी किसी अन्य बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने वायदा किया है कि जो मुझे गलत सिद्ध कर देगा तो मैं अपने आप को बदल लूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई गलत सिद्ध करके दिखाओ, मैं अपना धर्म बदल लूँगा। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मजाहब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज है हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूँ। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज है इसे में ले चुका हूँ। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मजहब की अच्छी चीज लेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर होन दो, कोई भी स्वामी होन दो, कोई भी शंकराचार्य होन दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुबहाना होता है नाजिल की, कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद कर चल रहा है, तो हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, ये बात है। उसका सलामी दिया जाता था, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है, और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम राम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा गाया गया पंच भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं, हमें जैसा शिक्षा दिया गया वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा हिंदू नहीं हो सकता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते है, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते, आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा इन्होंने देख हिंदू। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, कर नहीं सकते, कैसे, हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उस हिंदू खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये बहन तुम्हें होती है, चार होता है माशाल्लाह, तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 + 2 = 5, तो आप क्या कहेंगे उससे?
पांच कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया, उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है, दो जमा दो चार भी, दो जमा दो पांच भी। ये कहना गलत है, दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करें। नहीं नहीं किसे मुस्लिम भी थे, तो जमा आप जब नहीं जानते दो जमा दो चार है, वो कहते पांच है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी दो जमा जो पांच नहीं, दो जमा जो चार है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, दो थे। उसी तरीके से अगर किसी के वालदे ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं फॉलो करो। मेरे हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग, मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं, आप मुझे साबित करो, चैलेंज। दर्शकों अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अभी आपने सुना डॉक्टर जाकिर नाइक जी के वचन, और डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने यहाँ तक एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, एक बहन जी ने प्रश्न किया कि अपने अपने धर्म को सब उत्तम मानते हैं, तो आप कैसे कहते हो कि इस्लाम धर्म उत्तम है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी उत्तर दे रहे हैं कि जैसे कोई लड़की गांव से आई और वो शहर वाली लड़की से मिली, उसने बताया कि दो जमा दो पांच होते हैं, और शहर वाली जो जिसको ज्ञान था वो कहती है नहीं दो जमा दो पांच नहीं होते, चार होते हैं। गांव वाली लड़की के माता पिता ने जो शिक्षा दी वो गणित नहीं जानते थे, मैथमेटिक्स नहीं जानते थे, उन्होंने गलत पढ़ा दिया, दो जमा दो पांच पढ़ा दिया, अर्थात गलत ज्ञान दे दिया। और गांव वाली लड़की शहर वाली लड़की से कहे कि दो जमा दो आपका चार भी ठीक है और दो जमा दो पांच मेरा भी ठीक है, दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, तो क्या आप क्या कहोगे? तो लड़की के मुख से कहलाया कि दो जमा दो चार ही ठीक होगा। तो इसी प्रकार मैं जो कह रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि मैं सही पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, दो जमा दो यानी एग्जैक्ट यथार्थ भक्ति मार्ग बता रहा हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी आप भी दो जमा दो पाँच ही बता रहे हो, दो जमा दो चार तो दास के पास है, आके ग्रहण करो। मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक, वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है कि अपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना, अपने वायदे अनुसार आओ और अपना कल्याण कराओ डॉक्टर जाकिर नाइक जी। अब कहते हैं उस अल्लाह ताला ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो उन चारों वेदों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद और कुरान शरीफ और बाइबल पवित्र गीता, इन सब से हटकर ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है। ये ज्ञान अपने सतर के हैं, उसमें कहा है कि मुसलमान मद्दारी रोला और भूल गए वो मुर्शिद मौला। मुसलमान धर्म के अंदर जो ज्ञान चल रहा है वो तो एक मद्दारी जैसा रोला पाँच रहा है, किसी को पता नहीं, देखा देखी सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ एक गया सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। फिर कहते हैं उस भगवान के दरबार से आया हिंदू, हरिया मुसलमान कर डारा बंधु, कहते हिंदू से मुसलमान कर डारा, सुन्नत की नी जुलम गुजारा। भगवान के दरबार से तो हिंदू आया और फिर आकर उसकी लड़के की लिंग की आगे से वो
खाल काट के सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। भगवान भूल गया था मुसलमान बनाना, तो खुद बना के भेज सकता क्या? अल्लाह ताला समर्थ नहीं है। चलो फिर परमात्मा कहते हैं, यानी सूक्ष्म वेद ज्ञाता अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर स्वयं आकर के वो ज्ञान दे रहे। उसमें लिखा है कि तुमने लड़के को तो मुसलमान बना दिया, बेटी का क्या किया? वो तो ऐसी हिंदू की बेटी ऐसे मुसलमान की, उसमें तो कोई अंतर है नहीं। तो इसलिए कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला, उस परमात्मा का ज्ञान भूल गए हैं। और कहते हैं उन पुण्यात्मा जो महापुरुष हुए हैं तुम्हारे, आप उसका भी अनुसरण नहीं कर पा रहे हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का हया, 1,00,000 को सोग जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली। वो तो परमात्मा की कृपा पात्र थे। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। तुम्हारे उस हजरत मोहम्मद जी को जो ऊपर से आदेश हुआ था, वो वास्तविक आदेश ये था कि रोजा व्रत रखो, नमाज करो 5 वक्त की, और अजान दो, बंग दो, लेकिन बिस्मल करने का आदेश नहीं था वहाँ का। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, यथार्थता से अपरिचित प्राणी सभी परबित हैं, इस दास के पास वो यथार्थ ज्ञान है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। इसमें हार जीत की भी कोई बात नहीं है, हार जीत का कोई बात तो नहीं है। दास के पास वो ज्ञान है, आपको उसका पता नहीं। हम सभी एक परमात्मा की संतान है, पूरी पृथ्वी पर जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है, और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं, और जितने भी दास के अनुयायी हैं ये सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये है वास्तविक मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई। अपने आत्माओं यही परमात्मा, यही भगवान, ये ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान प्रदान कर रहा है, और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता और वेदों का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक ये स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जो साधनाएं प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है उसको अपनी श्रेष्ठ भक्ति मानकर ही कर रहा है। कोई तो देवताओं की पूजा करता है उसको सही मान रहा है, और कोई अपना कोई व्रत रखता है, और कोई आसन वगैरह करता है, कोई स्वाध्याय करता है, इन अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मान के पाप नाशक जानते हैं। फिर क्या बताया है कि वास्तविक ज्ञान तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, उसके अंदर विवरण है, वो तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की, समर्थ परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही कहा है, गीता ज्ञान दाता जिसको पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उस अल्लाह कबीर यानी सबसे बड़े भगवान की जानकारी गीता ज्ञान दाता भी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तत्व ज्ञान को जानता हो, तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं ये दास है, और इस दास के पास वो कंप्लीट ज्ञान है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ क्या कहा है कि दूसरे यानी कुछ अन्य योगीजन देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य परब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म अग्नि में ही अभेद रूप दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन यानी साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्री रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ अन्य इंद्रियों के की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 का में है कि कई दर्व में यज्ञ यानी कि तो धर्मशाला बनवा दी, कि तो भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले कुछ तपस्या करते हैं, और तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले योगा करते रहते हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त पुरुष, यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले यानी प्रतिदिन, जैसे स्वाध्याय में क्या आता है, प्रतिदिन नित कोई पाठ करना किसी पवित्र बुक का, 5 वक्त नमाज करना, ये भी स्वाध्याय में आता है। श्रीमद् भगवद गीता का नित पाठ करना या कुछ श्लोक मंत्रों के श्लोक वेदों के मंत्रों का जो प्रतिदिन पाठ करना, या जप जी साहिब का पाठ करना, या नित नियम जो हम करते हैं सुबह शाम दोपहर को, ये सब स्वाध्याय में आता है। तो कुछ स्वाध्याय ही करते रहते हैं, और आगे देखो, और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील, अहिंसा जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरां चलते हैं, इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं। आगे देखो 29-30 में क्या कहा है, दूसरे कितने ही योगीजन यानी साधक अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं यानी प्राणायाम आदि करते रहते हैं, तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी बहुत कम खाते हैं, और कुछ प्राणायाम यानी कुछ प्राण करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों का को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका भाव ये है कि सभी जो भी जैसी साधना कर रहा है वह अपनी साधना को पापनाशक यानी मोक्षदायक मानकर कर रहा है। जब इनको ये पता चल जाएगा कि ये साधना ठीक नहीं है तो फिर तो त्याग ही देंगे। जो भी जैसी साधना कर रहा है उनको मोक्षदायक मान रहा है, पापनाशक जानता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, यूजलेस। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये क्रियाएं नहीं लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक ओम अक्षर के जाप का प्रावधान है ब्रह्म तक की साधना का, और पूर्ण परमात्मा की, उस अल्लाहु अकबर की, अल्लाह कबीर की, समर्थ परमात्मा की साधना। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता, वो किसी बाखबर से पूछो। उसका संकेत दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि वो 3 मंत्र का जाप है, 1 स्पष्ट है, 2 सांकेतिक है। अब हम जो प्रसंग जो हम आज हल करना चाहते हैं समस्या, कि वो तत्वदर्शी संत, वो तत्वदर्शी
तत्व ज्ञान कौन सा है, उसके विषय में क्या प्रमाण है गीता जी में, देखिएगा। अब हमने 30 तक पढ़ लिया श्रीमद् भगवद गीता का, यो 30 पढ़ लिया, अब हम 32 पढ़ेंगे। 31 में यही कहा है कि सत्साधना करने वाले उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सनातन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले यानी सत्साधना, इसका अर्थ सत्साधना करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए यज्ञ न करने वाले अयज्ञस्य यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता उसके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं, तो परलोक कहाँ से सुखदायी हो सकता है। अब इसका निर्णय गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में किया है कि इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दिया अनुवादकर्ता ने, ब्रह्मणे मुखे यहाँ लिखना था, ब्रह्मणे का अर्थ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में उस परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहु अकबर ने कबीर अल्लाह कबीर ने स्वयं आकर अपना यथार्थ ज्ञान दिया है जिसको तत्व ज्ञान सुख संवेद कहते हैं, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, उसमें विस्तार के साथ कहे गए हैं उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जान कर तू सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसका अर्थ यानी इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ लिखना था सचिदानंद गण ब्रह्म यानी अल्लाहु अकबर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो लिखना था। अब इसका अनुवाद इन्हीं की शब्दों में देखते हैं, ये देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और ये 23वां श्लोक, इसमें क्या कहा है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे हम, बस ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसा यह है तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म कहो या परम अक्षर ब्रह्म कहो या अल्लाहु अकबर कहो अल्लाह कबीर कहो बड़ा भगवान, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसने अपने मुख कमल से आकर यहाँ पर यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बताया है, वो है तत्व ज्ञान। और वो मिले कहाँ, अब फिर आते हैं हम ये देखिएगा, अब आगे हम अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पुनः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षयसे। 32 में यहाँ कहा है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वेद की वाणी में नहीं, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू कर्म जान शारीरिक क्रियाओं से काम करते करते सिद्ध होते हैं वो, ऐसी साधना उसके अंदर कर्म जान विधि जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्मों कर्म बंधन से सर्वता मुक्त हो जाएगा। यानी इस सचिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से आकर वाणी बोली है उसको समझने के बाद वो तत्व ज्ञान है, उसके बाद तो सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसके बारे में कहा कि उस ज्ञान को जो सचिदानंद घन ब्रह्म अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर ने उस बड़े भगवान ने समर्थ परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहाँ पर, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ बाखबर से। इससे सिद्ध ये देखो ये 4वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता और 34वां अध्याय
उस ज्ञान को 32 में आपने पढ़ा, अब देखो अब ये सोचेंगे कि 33 माँ छोड़ दिया, शायद उसमें कोई गड़बड़ होगी, ले दिखाता हूँ। अब पहले 33 माँ दिखाते हैं, इसका अर्थ यहाँ पर है, इसके ऊपर ही है। ए परंतम अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका अब यहां नीचे 34 माह है उस तत्व ज्ञान को, इसका अर्थ क्या है ये सिंपल में समझाएगा दास। इसका भाव ये है कहने का, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में ये स्पष्ट है कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी द्रव्यमय यज्ञ क्या है, जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया, कितने कोई कंबल बांट दिए, गंगा के किनारे भंडारा कर दिया, कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ आँख मीच के और बगैर जाने बूझे ये धर्म किए हुए दान किया हुआ यज्ञ ज्ञान यज्ञ दान यज्ञ जो है ये व्यर्थ है। द्रव्यमय यज्ञ यानी ये दान यज्ञ है, धर्म यज्ञ बोलते हैं, और ज्ञान यज्ञ है ये तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है यानी पहले तत्व ज्ञान को समझो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसके बाद उसके बताए अनुसार साधना करने में सफलता मिलेगी। कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चे पूछो वेद पुराण। गीता जी में स्पष्ट किया है कि कुपात्र को दिया हुआ दान भी हानि के करता है लाभ के स्थान पर, इसका ये अर्थ। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर ने, बड़े भगवान ने, समर्थ परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। देखिए अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवद गीता, अब हम 34वां पढ़ेंगे, ये 33वां हमने पढ़ लिया। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी वाले उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं रखता, उसकी पूजा की विधि भी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। यही अल्लाह, यही भगवान, ये ब्रह्म सरपुरुष कहते हैं हम इसको, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसी ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान बोला है, और वो भी स्पष्ट कर रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं उस अल्लाहु अकबर उस अल्लाह कबीर के बारे में जानकारी नहीं रखता, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता है, और गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाहु अकबर से अपरिचित है। तो इससे सिद्ध है कि ना तो गीता ज्ञानदाता वो समर्थ परमात्मा है, एक जिसको हम कुल का मालिक कहते हैं, जो केवल पूज्य है, और न ही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस परमात्मा से परिचित है अल्लाहु अकबर से। इससे सिद्ध है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उस समर्थ की पूजा नहीं कर रहे जिसकी करनी चाहिए, ये भी भ्रम के अंदर है। इति सिद्धम। इस दास ने एक शब्द कहा था कि वेदों का ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, कुरान मजीद का ज्ञान दाता है, और
श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता भी वही है और वेदों का ज्ञान दाता भी वही है। अब ये प्रमाण करते हैं, यजुर्वेद देखिएगा, यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है, अनुवादित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, तजुर्मा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ये 40वां अध्याय है, 44वां अध्याय 40वां, और यजुर्वेद भाष्यम ये 40वां अध्याय है। यहाँ देखिएगा इसमें क्या कहा, इस 40वें अध्याय का 10वां श्लोक है, इसमें वेद ज्ञान दाता कहता है मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से, जिनका ज्ञान स्थिर है धीर है टिकाऊ है, तत्वदर्शी संतों यानी मेधावी योगी माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं वे लोग हमारे लिए प्रति वितक्षरे यानी व्याख्यान पूर्वक विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संभवात माने जन्म लेने वाला संयोग जन्य जन्म लेने वाला, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, आहु आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला कारण अत्यंत आहु कहते हैं, इति इस बात को तुम भी सुनो। अब वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि कुछ तो परमात्मा को कहते हैं वो संभवात, संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होकर श्री राम श्री कृष्ण रूप में आता है, कुछ तो यहाँ डटे हुए हैं साकार भगवान मानते हैं, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं असंभवात, वो अजन्मा है। कहते वेद ज्ञान दाता कहता है वो यानी कुछ निराकार मानते हैं कुछ साकार रूप में मानते हैं, तो राम और श्री कृष्ण जी के रूप में मानते हैं, इसकी जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो साकार है या निराकार, वो जन्म लेकर आता है या वैसे आता है, इसकी जानकारी भी उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से मेधावी ज्ञानी विद्वानों से सुनो, वो बताएंगे। अब वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, ये भी स्पष्ट करते हैं इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में, 44वां अध्याय यजुर्वेद भाष्य 15वां अध्याय, इसमें क्या लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किल्वे समर कर्तुम समर, इसका अर्थ बनता है कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय तक ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समण कर, इसको लिखना था इस अनुवादकर्ता ने गलती कर रखी अनुवाद में, सीधा है ओम कर्तो समर, ओम काम करते करते समण करो, विशेष कसब के कसस कसक के साथ समण करो, और कर्तुम माने मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जान कर, मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो, और वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, यानी जब अमृतम, ये अनुवाद है इसका अमृतम अविनाशी और भस्मांतम भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला जो शरीरम श्रेष्ठ है, इसने अनुवाद ठीक नहीं करना है, इसका अर्थ है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, जब आपका शरीर छूटेगा भस्म होगा अंत होगा उस समय आपके उसको इतनी अमृतव प्राप्त होगा, इस ओम के नाम से जो मिलता है उतनी गति आपकी हो जाएगी, और ओम नाम का जाप करो। अब वेद ज्ञान दाता ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसके अंतिम मंत्र चल रहे हैं, निष्कर्ष है ये पूरे यजुर्वेद का। या तो इसने वेद ज्ञान दाता ने बता दिया कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का जाप करेगा तो ओम नाम से मिलने वाला जितना जो अमृतव है
इससे प्राप्त होगा। अब उसके बाद सत्र में मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसकी जानकारी ना वेद में है, ना गीता में है, ना कुरान के अंदर है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया उसकी जानकारी जो प्रोक्ष है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बाखबर जानते हैं, ना वो पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, ना पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता में, ना पवित्र वेद में। अब देखो ये 44 से 40 अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 15वां हमने वहाँ पढ़ लिया, इसमें क्या लिखा है ये अनुवाद देखो इस अनुवादकर्ता का। हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है वह पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर, वह प्रोक्ष वो तो गुप्त है, और अहम मैं वेद ज्ञान दाता, मैं खम ब्रह्म और ओम ब्रह्म, ये खम ब्रह्म हम हिंदी बाद में देखेंगे, ओम यानी ये है सो अहम सो असव अहम ओम खम ब्रह्म, वो अहम माने मैं, ये देखो अहम माने मैं तो खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है, और वो अल्लाहु अकबर वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाहु अकबर नहीं है, और पूरा मुसलमान धर्म, पूरे मुसलमान धर्म के अनुयायी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को वो समर्थ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वोच्च मानकर, सबसे बड़ा भगवान मानकर पूज रहे हैं, तो वो भी उस परमात्मा की पूजा ना करके अन्य देव की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र कुरान शरीफ की तरह, तो हिंदू धर्म के श्रद्धालु भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देव की पूजा करते हैं, अन्य देव की यानी ब्रह्म तक भी जो पूजा करते हैं वो आन उपासना में है, उस एक की पूजा नहीं है, और वेदों तक की पूजा करने वाले भी उस समर्थ के विषय में जानकारी नहीं रखते। वो तो स्पष्ट कर दिया इन तीनों पवित्र सदग्रंथों ने कि उसकी जानकारी तो कोई बाखबर तत्वदर्शी संत धीराणाम जानते हैं, उनके पास जाओ वो बताएंगे उनके पास ज्ञान है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर राव और कल्याण करवाओ। दर्शकों आइए अब जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। सच्चाई सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर दास। सर कहाँ से आए हैं? हम जोधपुर राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आने का आपका क्या उद्देश्य है? जी ऐसा है, पहले हम लोग कुछ जानते नहीं थे इसके बारे में, उसके बाद जब मैं MBA कर रहा था, पुणे में रहता था, और जब MBA के बाद मेरी जॉब लगी तो मुझे कुछ भक्त आत्माओं के द्वारा मुझे ज्ञान गंगा मिला, क्योंकि जब से मैं छोटा था मुझे भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति करने की बहुत ही लालसा थी, जिज्ञासा थी। उसके उपरांत जब मुझे ज्ञान गंगा मिला तो भगत जी ने बताया कि आप इसे पढ़िए, आपके अंदर एक भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है, भाव है, वो ज्ञान गंगा के माध्यम से और हमारे गुरु जी के माध्यम से पूरा हो सकता है। तो भगत जी जैसे ही मुझे ज्ञान गंगा मिला,
मैं ऑफिस से आता था वापस, रात को मेरी ड्यूटी थी 2 बजे, बट मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं इसे पढ़ूं पहले और फिर सोऊं। और मुझे वास्तव में ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद वो एहसास हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार का ज्ञान किसी भी शास्त्र में नहीं है, जो क्योंकि मैं पहले से शिक्षा के टच में तो था ही, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी परमात्मा की कृपा से जो समझ में आ रहा था, उससे पता चला कि जो ज्ञान गंगा में जो ज्ञान दिया हुआ है वो वास्तव में किसी और के पास नहीं है। क्योंकि जितने भी भगवत गीता के श्लोक और उनका वृतांत, वेदों के सारांश और उनका जो भी प्रमाण दिया हुआ है कि परमात्मा कैसा है, हमें कैसे मिलता है और उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ गॉड, व्हेन आई रेड द ज्ञान गंगा आई लर्न, सो आई एम थैंक्स टू दैट भगत जी हु गिवन मी द ज्ञान गंगा, बिकॉज दैट डे इज इम्पोर्टेंट फॉर मी विच आई रेड द ज्ञान गंगा एंड देन आफ्टर फॉलोड दी बैड साइड, इट वॉज द गिवन द डायग्राम हाउ टू रीच सतलोक आश्रम। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली 3 डेज आई रेड द ज्ञान गंगा एंड आई बुक द टिकट फ्रॉम द पुणे रेलवे स्टेशन एंड आई केम फ्रॉम पुणे टू सतलोक आश्रम सिंगल पर्सन बिकॉज ऑफ टेकिंग द नेम डिवोटी फ्रॉम द सतगुरु रामपाल जी महाराज। दिस इज माई थॉट एंड दैट डे इज माई बॉर्न डे इन द लाइफ। सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड? देखिए, अर्लियर वी डिडंट नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड, बिकॉज जिन गुरुओं के पास मैं जाता था, जिन आध्यात्मिक संतों के पास मैं जाता था, वहाँ पे मुझे उस समय तो ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो गुरु भी चेंज कर दिए। हम अलग अलग संतों की सत्संग भी सुनते थे, जैसे मैं आसाराम जी बापू के सत्संग में जाता था, कृपालु जी महाराज उनकी शिष्या राशेश्वरी देवी उनके सत्संग में जाता था, मैं उनसे पूछता भी था कि मुझे परमात्मा प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तो वो ही ओम किलियम कृष्ण का मंत्र दे के, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दे के बोलते थे कि बेटा इसे जाप करो और जितना जाप करोगे उतना जल्दी भगवान प्राप्त होगा। बट मैं 3 या 4 साल से था तब से भक्ति कर रहा था, मुझे कभी भी परमात्मा का ऐसा दृष्टांग या दर्शन नहीं हुआ। बट वास्तव में जब मुझे यहाँ से नाम मिला और उसकी भक्ति मैंने थोड़े दिन करने के बाद में ही मुझे एकदम परमात्मा के दृष्टांग होने लगे। तो डेफिनेशन ऑफ द गॉड इज से दैट हु लिव इन अ ह्यूमन बॉडी, हु इज अ लाइक अ ह्यूमन, लाइक मी, लाइक वी, सो ही लिव इन अ सतलोक दैट अचीव इज अ फॉर्मेट विच इज नॉट इन द एनी शास्त्र और एनी वेद, बट वेद कहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है और वो तत्वदर्शी संत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता जी में भी ऐसे ही बताया है कि अगर तू परम शांति शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो बेटा उस तत्वदर्शी संत को खोज ले और उनकी शरण में जा जिससे तू प्राप्त कर सकता है। वो तत्वदर्शी संत मुझे ज्ञान गंगा मिलने के बाद ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मिले और आज मेरा वो उद्देश्य, वो लाइफ का एम मुझे मिल गया है, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद कोई भी उद्देश्य पीछे नहीं रहता है। जो भक्ति आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज आपको दी है, क्या आप उस भक्ति संतुष्ट हैं? Of course, I am 100% satisfied and completely satisfied because ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि साधो भाई वही गुरु मन भावे, आँखन मुंदे कानन रूदे और सार नाम दरडावे। और जब मैंने मेरे गुरु, पहले वाले जो गुरु थे उनके पास जाके मैंने पूछा कि क्या होता है सतनाम और सारनाम, तो बोले वही है बेटा जो हमने दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेव किलियम कृष्ण दे दिया, वही आपका सारनाम सतनाम आदि नाम अमर नाम वही है। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, गीता जी में ओम तत्सत लिखा है, उसके द्वारा ही सतनाम और सारनाम बनता है, आपके पास है क्या? कि नहीं, हमारे पास नहीं है।
तो जिस प्रकार से हमें जो भक्ति यहाँ पे मिली है, उस भक्ति से हमें अभी पता चल रहा है कि जिन गुरुओं के पास हम जाते थे वो कान और आँख तो जरूर रूते थे, बट उनके पास सारनाम और सतनाम नहीं है, क्योंकि उनके पास वास्तविक भक्ति थी नहीं। और जब मेरे यहाँ आया और परमात्मा का ज्ञान मिला, तत्व ज्ञान मिला, और आज हम लोग एजुकेटेड है, पूरा भारत पूरा वर्ल्ड आर एजुकेटेड, सो दे कैन यू नो लर्न बाई हिमसेल्फ टू नो द शास्त्र। सो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस 21 ब्रह्मांड में ऐसे एक संत अवतार में आए हैं, कबीर साहिब जी के अवतार में आए हैं, जो न तो आंख रूदते हैं न कान रूदते हैं, ओनली सार नाम और सतनाम दर्टाते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त कर लेता है प्राणी, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद सदा के लिए सुखी हो जाता है और सतलोक में जाता है, जिसकी आज के समय में आज के युग में ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में ही सबसे ज़्यादा प्राणी दुखी है। जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब नहीं मिल रहा है, युवा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, इवन सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाएं बढ़ा दी, उनके ऊपर एक समाज में दिखावे का प्रेशर है कि हम लोग अच्छे दिखें, हमारी सैलरी अच्छी हो, हम लोग गाड़ी ले बंगला ले, उनकी लाइफ में इज ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू अर्न द मनी, दे डोंट नो आफ्टर द मनी एंड मोर देन मनी, बिकॉज समाज में लोगों को सिखाया गया ऐसा ही है कि हम लोग पैसा कमाएं और शान शौकत से रहें। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज इन द सोसाइटी नाउ डेज इज 0%। सो नाउ इज माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू अर्न द मनी, बट नाउ इज एवरीथिंग इज गॉड। अर्लियर इट वॉज एवरीथिंग इज मनी, बट नाउ एवरीथिंग इज गॉड, बिकॉज हम उस भगवान से परिचित हो गए हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है कि यहाँ पे तो अपने को एक ड्यूटी निभानी है, और ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर अपन रहेंगे यहाँ पे, सारे कर्तव्य करेंगे, तो अपन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप न्यूज़ से रिलेटेड हैं, कि जब मैं संतों के पास गया, यहाँ से मुझे ज्ञान हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि आप हमें जो पहले भक्ति बताते थे उसमें आप मुझे ये बताएंगे कि 18 गीता जी के 18वां अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण कौन सी किसकी शरण में जाने को बोल रहा है, कि वो हमने तेरे को बता दिया ना कि वो हमारी कृष्ण भगवान की शरण में आने को बोल रहा है। मैंने कहा कि गुरु जी आप महात्मा जी आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपके पास खड़ा हूँ और आपसे मुझे भक्ति करनी है, तो आप यही बोलेंगे कि आप मेरी शरण में आ जा, या आप ये बोले थे किसी और की शरण में जा? वहाँ पे लिखा हुआ है व्रज, यानी तू अगर अर्जुन तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उस परम स्थान परम शक्ति की शरण में जा, और आप बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान की शरण में आने को बोला है कि जा जा तू जा जहाँ तेरे को मोक्ष मिलता है वहाँ जा। मैंने कहा ये हुई है राइट डेफिनेशन व्रज की, कि जा, इसके लिए अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने यही बोला कि तू जा उनकी शरण में जिससे तू परम शांति को प्राप्त कर सकता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे हैं गीता जी का ज्ञान, ये ब्रह्म के द्वारा निरंजन के द्वारा जिसको काल कहते हैं उनके द्वारा ज्ञान बोला हुआ। ये सारा जो अज्ञान है, ये सारा ज्ञान पहले जो हम जिस गुरुओं के पास जाते थे, मेरी उम्र आज 28 साल है बट फिर भी मैंने 5-6 गुरु चेंज कर रखे, क्योंकि अंदर एक परमात्मा को पाने की इच्छा, और कहीं पर भी जाओ शांति मिलती नहीं है, दूनी प्रॉब्लम हो जाती है, we get lots of problem and we change the guru but never getting any realization release from anybody who is you know related to the spiritual knowledge. So yahan jagat guru rampal ji maharaj ke sharanon mein aane ke baad ghar mein shanti ho gayi, jo bhi problem thi, फिजिकल प्रॉब्लम थी मेरे कानों के अंदर, ऑपरेशन करवाने के बाद में भी मैं किसी प्रकार से अपने आप को रिलीफ नहीं कर पा रहा था, आज परमात्मा की कृपा से एकदम ठीक है, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लिया, और इवन मेरा जो करियर का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, आज मैं युवा पीढ़ी को विशेष संदेश देना चाहता हूँ, क्यों
कि वो भटक जाते हैं, उनके उद्देश्य से वो भटक जाते हैं, उनका जो लाइफ जीने का तरीका है वो अलग हो जाता है, वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग सेक्टर में जाने की वजह से लाइफ में बहुत सारे टेंशन ले लेते हैं। मैं भारतवर्ष आज के उज्ज्वल भारत में सभी युवा भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सतलोक आश्रम बरवाला में अगर आप मेरी तरह आके परमात्मा से उपदेश ले सकते हैं तो अपने जीवन और अपना भारत एक नई उन्नति को पहुंच सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अपुण्यात्मा मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता जिसकी डीवीडी सीडी मुजदास को एक श्रद्धालु ने लाकर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का, और केवल एक वाक्य घोट रखा है उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषो, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं है, तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहाँ वो उनके आश्रम में रहने लग गए, और वो फकीर इतना वहाँ प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियाँ बहुत हैं। एक समय शेख फरीद नाम के मुसलमान थे भक्त, वहाँ क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य, तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता, मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था, हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था, और शेख फरीद तो घर छोड़ कर निकला ही नहीं था, मतलब अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बताई दिया जाता है भाई, गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए आपस में, इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए, गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते हैं, गुरु की शरण में जा और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साए। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या, इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूँ वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था, आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था।
और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कम चोर से थे, वह गफलत कर देते थे, तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं और किसी तरह इस गुरु जी की नज़रों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे, पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डाल कर, और खाना खिलाने चले जाते थे, आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लाओ, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाके मारा करते, डंडा रखा करते, और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं, उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठा कर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहाँ धुआं उठ रहा था, कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। वो दौड़ा दौड़ा गया तो वहाँ क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम बरसा का था, लकड़ी जलावा थी, कभी बुझ जावा थी, फूक मारा थी, आँखों में धुएं से आँखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुम्मे में, वो नोबोली देख के नोबोली आग नहीं ना मिलती, आँख फुटवानी पड़े आग आग के लिए। तो उसने चमटा देखा आँख में, उस संत ने शेख फरीद ने अपनी आँख निकाल के दर दी, अकेले माई आँख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, अगतन तो कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी, और इसका गुरुजी तो बड़ा पहुँचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में, तो अकेले ले महाराज जी, वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज़ लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज़ लगाई, रस फरीद कहाँ मर गया तू, आ गया गुरु जी, आ गया गुरु जी। दूसरी आवाज़ लगाई, जब रख की तो मर गया था, इतनी देर लगा दी, बकार यहीं था गुरु जी, देर होगी थोड़ी सी, आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आँख कपड़ा बांध लिया उसने एक आँख के ऊपर गए, जो आँख फोड़ निकाल दी थी, अंधेरे का मौसम था। गुरु जी ने कहा के लाग गया, क्या कुछ दया है आपकी महाराज, के लाग गया था आपके रहते, और वो कब्र दिया। और बुढ़ा तो पी के सो गया संत तय, अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आँख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं जैसे तैसे। उसका उद्देश्य यह था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आँख ने के गाड़ दूंगा जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने वहाँ कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि तले रात होगी मैं जाऊँगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक़्त से उठ दिन निकलते ही पहुँच गई, और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी माफ़ कर दो। महाराज जी उठा कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है कि आपके चिल्ला गया था, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया, मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी, उसने आँखें काट के धर दी, बर्तन के कापण पर धर के ले गई उसने ढक्कन पर, मटके के ढक्कन है ना कापण बोले, आँख काट के दर दिया, आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं, उसने सोची अब कुछ शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर शेख इधर आ भाई फरीद, कहाँ जी क्या हो गया, क्या बात होगी, कुछ ना मालिक जो शरीर आपका आँख की के बात थी दाता,
आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस मट्टी का बनेगा क्या। तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्हें रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरु जी की सिद्धि थे। अपुण्यात्माओं इतनी सिद्धि युक्त प्राणी संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया। इस बात से माई ने जब आँखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह वे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया, लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपुण्यात्माओं इसका रिजल्ट देखना क्या है, इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी उस फकीर की, आश्रम वाले की, और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे। एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया कि उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है, गॉड गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। और तो क्या हुआ, शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है, वे जितना गणा तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 125 मण यानी 50 किलो अन्न खाया 12 वर्ष, 1 वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का अट्टा हिस्सा आता है, 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार कर किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी, शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया, और कुएं में लटका करते थे और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे वृक्ष के टहनी कर, नीचे कुआ था उस वृक्ष के, रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, क्योंकि बाहर कौवे आंख निकाल लेते हैं, और बाहर आते थे थोड़ा बहुत आहार करते थे फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज़्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया, उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ, माथे पर आकर बैठ गए कि आँख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौवे मेरी आँख आँख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मेरी आँख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, आँख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूँगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आँखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊँगा, भगवान मिले नहीं और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे, कबीर परमेश्वर अल्लाहु अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तक घुमा देते थे, शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, और वो ऐसे कर लेता था, अब बच्चे हैं छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तुम्हें बाहर ही निकाल लिया, उन्होंने सोचा अच्छा नालायक आदमी आया, तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत, शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़, और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ,
तो परमात्मा ने पूछा, आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूँ वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा ये तो कति पहाड़ी टकराएगा उससे, ये तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं होकर उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा तुम निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है? तो शेख फरीद ने सोचा, भाई आदमी तो काटे का है, तो बात तक कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है, उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का, तो सम कैसा लग गया करें, एक चोट से धारी आदि ने मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी, अरे सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताऊं, और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा के होते फिर। तो उसने उसके यह बात समझ में आ गई, नो के नो पैर पकड़ दिए, उलट के लटके ने बोला, महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए कर छोड़ कहा था, आज तक मैंने तो शरीर का भी नाश कर लिया, पर मालिक आस पास नहीं मेरे। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता, वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी जब वहाँ जा सक, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे, थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम राखा है, योग युगत सब सतगुरु बाख है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज़्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का, कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु बाख है, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे, इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे जा भक्ति कैसे करेगा, और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना पेट इकट्ठा हो जाए, अंदर संयम रखे, सीमित खावे जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गया। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थाई स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला, अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहाँ पार्वती जी को मंत्र दिया गया था, ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था, उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमृतो प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति सच्ची साधना करने से, लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे, कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए और कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की, और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएँ हैं, कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने,
और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया से प्राप्त मटेरियल है इसको तो ये इतना समान इसको छोड़ दें, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा त्रिकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह 10-11 बजे से पहले सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफ़ी देर एक मिनट एक टक देखते रहना और फिर सामने देखना, आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर नीचे पैर इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहाँ से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है, त्रिकुटी ये वहाँ पहुँच जाता है त्रिकुटी, उस त्रिकुटी के पास ही, तो वहाँ जा यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहाँ पहुँच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी के विषय में कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक मुसलमान ने लगभग 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं यदि इनका मार्ग सही हो तो हमें घड़ी खुशी होती और हम भी बन जाते साथ में आकर, हमें तो परमात्मा चाहिए कुछ भी बनना पड़ो, लेकिन उन हिंदुओं के साथ तो वो बन गई। एक कहावत है, कहावत तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में टंग गए, उनके साथ तो वो बन गई कि खजूर से गिरे आसमान में टंग गए और गलत जगह फंस गए बगैर ज्ञान के, ऐसे बिरान मैटी होती है प्राणी की। अपुण्यात्माओं मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता जिसकी डीवीडी सीडी मुजदास को एक श्रद्धालु ने लाकर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का, और केवल एक वाक्य घोट रखा है उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषो, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं है, तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिलत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई, जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई और आप भी देख लेना जाकिर भाई।